माता राग में कितनी मात्राएं हमारी यहाँ? 6 मात्राएं, ठीक है। नेक्स्ट है तगण, देखिए ताराज क्या है? ताराज, तो ता में कितनी मात्राएं है? 2। रा में कितनी है? 2। और ज में कितनी है? 1। गुरु गुरु लघु कितनी हो गई यहाँ पर? 5 मात्राएं हो गई, ठीक है। ताराज। आदित्य क्या लिखा हुआ है यहाँ? आदित्य, तो आ में गुरु मात्रा है, अब द में छोटी की मात्रा है, लेकिन द के बाद में क्या है? आधा वर्ण है, और जब आधा वर्ण होता है तो उससे पहले वाले में कितनी मात्रा हो जाती है? 2 मात्राएं हो जाती है। फिर य में 1 मात्रा आ गया हमारा, क्या? मा ता रा ज, क्या आ गया? ता रा ज, ठीक है, तगण। नेक्स्ट है हमारा रगण, अब रगण में क्या है देखिए? राजभा क्या है? राजभा, पहला गुरु, बीच वाला लघु, और फिर नेक्स्ट गुरु, तो कितनी हो गई यहाँ? देखिए 2, 3 और ये 2, 5 मात्राएं हो गई, कितनी हो गई? 5 मात्राएं, क्या हो गया ये? राजभा। जैसे भारती, भा में गुरु मात्रा, र में लघु मात्रा, और ती में गुरु मात्रा, कितनी हो गई? 5 मात्राएं। फिर है जगण, क्या है? जगण, जगण में देखिए बाद वाले तीनों शब्द जभान, क्या हो गया? जभान, जभान में पहली मात्रा लघु, दूसरी मात्रा गुरु, और तीसरी मात्रा लघु, कितने हो गए यहाँ? 4 मात्राएं हो गई, कितनी हो गई? 4 मात्राएं। फिर मिला, मा में 1 मात्रा है, छोटी की मात्रा है, लघु स्वर है हमारा। फिर ल में 2 मात्रा है, दीर्घ स्वर है, प में कोई मात्रा नहीं है, अ है, इसलिए लघु मात्रा यहाँ है। फिर है भगण, अब भगण में देखिए क्या है? भानस, 3-3 के जोड़े बनाने हैं हमें, इसमें 3-3 का पेयर बनाना है, और उसी के आधार पर हमारी मात्राएं निकलेंगी और वो गणों का समूह बनेगा। फिर भगण में देखिए क्या है? गुरु लघु और लघु, गुरु लघु लघु किसमें होता है हमारा? भगण में होता है, कितनी मात्राएं हो गई यहाँ? 4, कितनी हो गई? 4, देखिए भा गुरु मात्रा, र में 1 मात्रा, त में 1 मात्रा, कितनी हो गई? 4 मात्राएं। फिर है नगण, अब नगण में क्या है? न सल, 3 का पेयर बनाया हमने, 3 का जोड़ा बनाया, क्या बन गया? न सल, तो यहाँ पे भी लघु लघु लघु, क्योंकि कोई मात्रा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। नसल, जैसे कमल, लघु लघु लघु, तीनों में क्या आएगी? लघु मात्राएं आएंगी, कितनी मात्राएं हो गई इसकी? 3। ये हमें इसीलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम वर्ण छंद पढ़ेंगे, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद जब हम पढ़ेंगे, तो मात्रिक छंदों के अंतर्गत हमारे पास में ये गण होंगे, और वर्णिक छंद जो होते हैं उनकी भी कुछ पहचान होती है विशिष्ट, उन पहचान को हम इन्हीं माध्यमों से पहचानते हैं, ठीक है। देखिए सगण, अब सगण में क्या आएगा? सलग, इसको सलगा भी बोला जाता है, या बता राजभान सलगा, इसको सलगा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3। ये देखिए लघु लघु गुरु, ये गा ही है, इसमें हलंत नहीं है, ठीक है। तो सगण में क्या आ गया? सल गा, तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, यहाँ पर भी सरिता देखिए उदाहरण है, स में लघु मात्रा, र में छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी लघु, और त में गुरु मात्रा, इसलिए गुरु इसका प्रदर्शित चिन्ह, ठीक है। ये था हमारा सूत्र किसे याद करने का? गणों को याद करने का। 8 गण हमारे होते हैं, क्या हो गया? यमाता राजभान सलगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे छंद के अंग होते हैं, क्या होते हैं वो अंग? जिन नियमों का पालन हमें पद को लिखते समय करना पड़ता है, वही नियम हमारे क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं, जैसे चरण, वर्ण और मात्राएं, संख्या क्रम और गण, लघु और गुरु, यति गति और तुक, ये 7 हमारे अंग होते हैं, जिनमें पहला है हमारा चरण, पहला है हमारा चरण। अब चरण क्या होते हैं देखिए, प्रत्येक पद में हमारी पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों को लाइंस जो होती हैं, जिसमें कहीं कहीं पे कॉमा होता है, कहीं कहीं पे डबल कॉमा, विराम, अर्ध विराम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे चरण कहलाते हैं। देखिए छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं, प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद की सामान्यतः 4 पंक्तियां होती हैं, हर पद की 4 पंक्तियां मिनिमम होती हैं। छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण अथवा पाद में वर्गों अथवा मात्राओं की संख्या क्रमानुसार रहती है। प्रत्येक में कैसी रहती है? क्रमानुसार रहती है, किसी में सेम होती है, किसी में नहीं होती है, किसी में अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए सम चरण कौन से होते हैं? सम चरण वो
चारों चरण की मात्राएं या वर्णों का रूप समान होता है। चारों चरण यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, चारों लाइनों में सेम मात्राएं होती है, सेम वर्ण होते हैं, तो वो कहलाता है सम। सम यानी सेम, एक जैसा, तो वो कौन सा कहलाता है? समचरण कहलाता है। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं, दूसरे और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। दूसरी लाइन और चौथी लाइन को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा और चौपाई, ये दोनों कैसे कहलाते हैं? समचरण कहलाते हैं। आगे है अर्धसमचरण। अर्धसमचरण यानी देखिए, जिस छंद के प्रथम और तृतीय, जिस छंद के प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और दूसरे चौथे चरण में मात्राओं या वर्णों की समानता पाई जाती है, उन्हें अर्धसम चरण कहते हैं, अर्धसम कहते हैं। ठीक है, फिर विषम, देखिए सम में तो दूसरे और चौथे में सेम होगा, अर्धसम में पहला तीसरा और दूसरे चौथे में सेम होगा, और जो विषम होता है, इस विषम के अंदर जिन छंदों में चार से ज्यादा चरण हो और उनमें कोई समानता नहीं हो, चारों चरणों में कोई समानता नहीं हो, वो हमारा विषम चरण कहलाता है। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, जैसे कुंडलियां और छप्पे, इन दोनों छंदों को क्या कहा जाता है? विषम छंद कहा जाता है, विषम चरण कहा जाता है। आगे है वर्ण। अब वर्ण क्या होते हैं? वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन, मतलब जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब हम शिक्षा लेना, ग्रहण करना शुरू करते हैं, नर्सरी कक्षा से, किंडरगार्टन में जो सिखाए जाते हैं, वो यहीं से शुरुआत होती है, वर्णों से, जिनमें स्वर और व्यंजनों को सिखाया जाता है। तो वही वर्ण हमारे इसके अंदर भी काम में लिए जाते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लघु एवं गुरु। लघु एवं गुरु, लघु यानी छोटे, गुरु यानी बड़े। अब देखिए लघु क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें कम समय, अल्प समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, वो कहलाते हैं हमारे लघु वर्ण। और जिन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें समय अधिक लगता है, ज्यादा लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? गुरु या दीर्घ। ठीक है, अब लघु का चिन्ह क्या होता है? हमारा सिंगल लाइन, केवल एक लाइन। ठीक है, और गुरु या दीर्घ का क्या होता है? ये वाला अवग्रह जो हम बनाते हैं, वो उसे बना बोलते हैं गुरु मात्रा है। ठीक है, तो इस अनुसार हम जब छंद पढ़ते हैं, तो छंदों में जब हम मात्राएं इंगित करते हैं, संकेतों की माध्यम से जो मात्राएं गिनते हैं, उनमें लघु मात्रा तो इससे हम प्रदर्शित करते हैं, ये चिन्ह बनाते हैं, और गुरु मात्रा में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये छंद के क्या पढ़ रहे हैं? अंग पढ़ रहे हैं। तो छंद का तीसरा अंग क्या होता है? मात्रा। किसी ध्वनि या वाण के उच्चारण में जो समय लगता है, उस समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। यानी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है हमारा, वही क्या कहलाता है? हमारी मात्रा कहलाता है। ठीक है, जिसे बोलने में कम समय लगेगा वो लघु हो गया, जिसे बोलने में ज्यादा समय लगेगा वो दीर्घ हो गया। यानी कम समय हमें लग रहा है किसी चीज के उच्चारण में, तो वो समय, कम समय क्या कहलाता है हमारा? कम या ज्यादा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। कम समय वाली लघु मात्रा है, ज्यादा समय वाली दीर्घ मात्रा है। ठीक है, और चिन्ह मैंने आपको बता दिया, लघु का सिंगल डंडा लगता है ये वाला, और दीर्घ का ये अवग्रह वाला चिन्ह लगाया जाता है। अब यति और गति, हम बहुत जगह पढ़ते हैं, यति गति को ध्यान में रखते हुए हमें पद्य का पाठन करना चाहिए। तो यति और गति क्या होती है? देखिए यति क्या होती है? साधारण भाषा में इसे विराम कहते हैं। विराम यानी रुकना, विराम यानी रुकना। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, कहीं जगह पर रुकना पड़ता है। जैसे गद्य को पढ़ते समय हमें पूर्ण विराम मिलता है, अर्ध विराम मिलता है, अल्प विराम मिलता है, तो ऐसे ही हमें जब हम पद्य पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो छंदों को पढ़ते समय भी हमें विराम लेना पड़ता है, और इन विराम स्थलों को ही क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। इन विराम स्थलों को ही यति कहा जाता है।
अब गति क्या होती है? गति छंद का मुख्य अवयव है। छंद को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है। एक लय के रूप में जब हम उसे गाते हैं तो वो गाने की कला क्या कहलाती है? हमारी गति कहलाती है। प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है जिसे गति कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तुक। अब ये तुक क्या होती है देखिए, छंद के चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, तुकान और अतुकान। जब हम चरण पद्य पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो छंद के अंत में लास्ट वाले जो पद होते हैं, लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों में समानता होना क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। अब अगर वो सारे सेम है तो वो तुकान है, तुक प्लस अंत तुकान। अगर वो सेम नहीं है तो वो हो गए अतुकान। ठीक है, अगर वो समान है तो हो गए तुकान, और समान नहीं है तो हो गए अतुकान। ठीक, आगे है वर्णिक गण। जो मैंने आपको अभी बताया था, यमाता राजभान सर्गा, वो क्या हमारे वर्णिक गण है। गण का अर्थ होता है समूह वर्णिक कृतों में तीन अक्षरों की मात्रा को एक गण कहा जाता है। जैसे यमाता, यगण में क्या होगा? लघु, गुरु और गुरु। तो वो तीनों का एक समूह बनाया जाता है, तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, वर्णिक गणों की संख्या 8 मानी जाती है। य, म, त, रा, जैसे यमाता राजभान सर्गा है तो य से लेकर के स तक जो है हमारे वो सभी गण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब छंद के प्रकार, छंद के अवयव कितने होते हैं? 7। छंद के अंग कितने होते हैं? 7। अब छंद होते कितने प्रकार के हैं? तो छंद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद। जब छंद में वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की संख्या की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है, तो वो वर्णिक छंद कहलाता है। देखिए, वर्ण गणना पर आधारित वर्णिक छंद कहलाते हैं छंद। विषम वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। यहाँ पर ना मात्राएं गिनी जाती है, ना गण गिने जाते हैं, बल्कि यहाँ पर वर्णों की काउंटिंग, वर्णों की संख्या की जाती है। और लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे मात्राओं को हम गिन ही नहीं रहे, इसलिए लघु या गुरु के ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता, चाहे मात्रा छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ केवल वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, साधारण एवं दंडक। आगे है मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद में तो हम वर्णों को गिन रहे थे, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जो लघु और दीर्घ के रूप में हम उसको चिन्हित करते हैं। जैसे मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान दिया नहीं जाता। कुछ होते हैं जिनके अंदर हमें ध्यान देना आवश्यक होता है, कुछ के अंदर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता है। मात्रिक छंद बहुत सारे होते हैं, जैसे चौपाई छंद, रोला छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें मात्राओं की गणना चरणों के अंदर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब मुक्तक छंद क्या होता है? मुक्तक छंद, इसे केचुआ छंद भी कहा जाता है, इसे रबड़ छंद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ना तो वर्णों की गणना की जाती है, ना ही मात्राओं की गणना की जाती है। देखिए, वे छंद जो मात्राओं एवं वर्णों से पूर्णतया मुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? मुक्तक छंद कहा गया। मुक्तक छंद में मात्रा एवं वर्णों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रसखान, जो कि कृष्ण भक्ति से सराबोर थे, कृष्ण भक्ति पर उन्होंने अपने रचनाएं लिखी थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी वैज्ञानिक आधुनिक विचारधारक माने जाते, विचारधारा का समर्थन करने वाले ये हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो ये हैं, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में इस छंद का भरपूर प्रयोग किया है। इसमें किसी प्रकार की वर्णों या मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चौपाई छंद, रोला छंद और सोरठा छंद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चौपाई छंद के बारे में जान लेते हैं। चौपाई छंद क्या होता है? देखिए, चौपाई छंद क्या होता है? यह मात्रिक सम छंद है, मात्रिक सम छंद है। मात्रिक सम छंद में क्या होता है? पहली तीसरी और दूसरी चौथी जो लाइन होती है उनके अंदर समानता पाई जाती है। देखिए, यह मात्रिक सम छंद है, इसके प्रत्येक करण में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16 मात्राएं होती हैं।
है, मात्राएं होती है, हमें मात्राओं की गणना यहाँ करनी है। इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हर चरण में पहली दूसरी तीसरी चौथी हर चारों लाइनों में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 16 मात्राएं होती है। अब हमें गणना कैसे करनी है, आप सब जानते हैं हनुमान चालीसा सब जने पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर हम ये बहुत पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब ये हमने पढ़ तो लिया, इसे क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। पर चौपाई कहते क्यों है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जय। अब जय में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर लघु स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा कौन सी लगेगी, लघु लगेगी। अब लघु मात्रा को कैसे हम दिखाते हैं, दो डंडे खींचे हमने लघु मात्रा का एक डंडा, तो लघु और लघु दोनों लघु स्वर है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा है। फिर हनुमान की ह कोई मात्रा नहीं है, अ है, तो अ हमारा लघु स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर एक डंडा हमने खींचा। फिर न पे छोटे उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा भी हमारी क्या है, लघु मात्रा है, इसलिए एक डंडा। अब म पे आ का डंडा है, यानी दीर्घ स्वर हो गया, और दीर्घ स्वर गुरु स्वर, गुरु स्वर की मात्रा हम अवग्रह से बताते हैं, तो ये हमने शो कर दिया, हमने ये किससे दिखाया, इस गुरु के चिन्ह से। अब प्रत्येक में हमको ऐसे ही करना है, देखिए न, अब यहाँ पर न क्या है हमारा, लघु है, ठीक है, तो हमने लघु बता दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ आधा वर्ण आ रहा है, तो आधे वर्ण को हम नहीं गिनते हैं, आधे वर्ण के बाद वाला जो वर्ण है य में हमें आ का डंडा है, इसलिए इस पर क्या लग गया, गुरु मात्रा लग गई। फिर न में भी लघु मात्रा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लघु स्वर है। फिर देखिए गुण, तो ग में भी क्या है, छोटे उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, छोटे की मात्रा भी लघु और लघु चिन्ह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान में भी क्या है हमारे, देखिए गुरु और लघु। फिर गुण में भी हमारी लघु लघु मात्रा है, सागर में क्योंकि स में आ की मात्रा है, तो ये गुरु लघु लघु। फिर जय लघु लघु, कपीस में लघु गुरु लघु, फिर तिहु में दोनों छोटी मात्रा है, लघु लघु। फिर लोक गुरु और लघु। अब देखिए उजागर, उजागर में लघु मात्रा गुरु मात्रा, लघु और लघु। अब इनकी हम गणना करेंगे, एक डंडे लघु मात्रा की एक और गुरु मात्रा की दो, देखिए ये कितनी हो गई, एक और एक दो, कितनी हो गई, दो। ये कितनी होगी, एक दो तीन चार पांच, यहाँ हो गई पांच मात्राएं, यहाँ पर दो और एक तीन, फिर दो, फिर यहाँ पर दो दो तीन चार, यहाँ दो, यहाँ पर चार, दो तीन और पांच, कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, इसको वहीं पर गिन दिया हमने। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ, दो पांच सात, सात तीन दस, ग्यारह बारह, बारह और चार सोलह, यहाँ पर हमारा यति हुई। यहाँ पर देखिए आपको विराम दिख रहा है ना, ये आपको विराम दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारी कितनी मात्रा हुई, यहाँ तक सोलह, पहले चरण में कितनी होगी, सोलह। फिर देखिए चार दो छह, छह तीन नौ, नौ और पांच कितने हुए, चौदह, चार पांच छह, छह तीन नौ कितनी हो गई, दो और चार छह, छह और दो आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और पांच सोलह, कितनी हो गई, यहाँ पर भी हमारी सोलह मात्राएं हो गई। अब यहाँ पर भी हमें ये कहना है, राम दूत अतुलित बल धामा, यहाँ पे भी अगर आप मात्राओं की गणना करते हैं तो प्रत्येक चरण में आपको कितनी मात्राएं मिलेंगी, सोलह, यहाँ पर भी सोलह और यहाँ पर भी सोलह, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों लाइनों के अंदर हमें 16 16 मात्राएं मिलेंगी, और उन मात्राओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो छंद चौपाई छंद है, ठीक है। गिनके देखिए, यहाँ पर दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो 16 16 मात्राएं जिस चरण में होती हैं वो क्या कहलाता है, हमारा चौपाई छंद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दोहा छंद क्या है, दोहा छंद यह भी मात्रिक छंद होता है, और मात्रिक में कौन सा होता है, अर्ध सम छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती है, सम चरण में क्या था, सम छंद में क्या था, हमारे चारों चरणों में समान मात्राएं थी, 16 16 मात्राएं हमें हमारे पास चारों चरणों में चारों लाइनों में हमें मिल रही थी।
लेकिन यहाँ पर जो दोहा संदेश में पहला तीसरा और दूसरा चौथा ये जो चरण है इनके अंदर समानता पाई जाती है। इसमें पहले और तीसरे चरण में हमें कितनी मात्राएं मिलेंगी, 13-13 मात्राएं मिलेंगी और दूसरा और चौथा जो चरण है इसमें हमें 11-11 मात्राएं मिलेंगी। देखिए कैसे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनाउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये जो हमने अभी पंक्ति पढ़ी ये कौन सी पंक्ति है, दोहा है। ठीक है, हम बहुत पढ़ते हैं रामचंद्रमानस में पूरे में दोहा और चौपाई छंद में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा। और ये जो दोहा दिया हुआ है ये किसके अंदर आता है, हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है। इसकी जब हम गणना करते हैं मात्राओं की तो देखिए गुरु लघु लघु कितनी हो गई, यहाँ 4 मात्राएं, फिर लघु 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 कितनी हो गई, 3 मात्राएं, फिर लघु गुरु लघु कितनी हो गई, 4 मात्राएं, फिर यहाँ पर 2 मात्राएं। ठीक है, यहाँ पर हमें यति मिली, फिर 2 मात्राएं, यहाँ भी 2 मात्राएं, यहाँ 3 मात्रा और यहाँ पर 4 मात्राएं। इनको अगर आप गिनते हैं तो देखिए यहाँ तक आपको गिनना है, 4 अति 7, 7 4 11 और 2 13। पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी हमारी, 13 मात्राएं, फिर देखिए 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11। पहले चरण में और तीसरे चरण में हमारे पास 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में हमारे पास 11-11 मात्राएं होंगी। तो 13 और 11 का जोड़ा हमारा क्या कहलाता है, दोहा। और इसका ठीक उल्टा हमारा एक और छंद होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए ये होता है हमारा सोरठा छंद। क्या होता है सोरठा छंद, 10वीं कक्षा में कृपाराम खिड़िया के सोरठे हम पढ़ चुके हैं और 12वीं कक्षा में भी हम संतवाड़ी के अंदर कृपाराम के जो सोरठे हैं वो पढ़ चुके हैं। तो देखिए यह भी मात्रिक अर्ध सम छंद होता है, यानी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है ये भी। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, वहां पर हमारे पास 1 और 3 में कितनी थी, 13 मात्राएं, लेकिन यहाँ हमारे पास कितनी है, 11 मात्राएं, और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होता है, इस प्रकार ये दोहे का उल्टा छंद होता है। इसमें जो तुक होती है वो पहले और तीसरे चरण के अंदर होती है। देखिए जैसे सुनी के वटिके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, किसकी रचना है ये बताएंगे, बिहसे करुणा एन चित जानकी लखन तन। ये जो सोरठा है, जब राम जी नदी पार करवाने के लिए, गंगा नदी पार करने के लिए केवट के निहोरे कर रहे हैं, केवट की प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय का ये कथन है। देखिए अब इसमें गणनाएं हमने करी तो देखिए सुनी में लघु लघु 2 मात्राएं हो गई हमारी, लघु और लघु क्यों है, क्योंकि ये छोटे स्वर है। फिर केवट ये देखिए क में एक ही मात्रा है, तो यहाँ कितनी हो गई, 4 मात्राएं, 2 4। फिर ये कितनी हो गई, 2 मात्राएं, फिर 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3, ये हो गई 5, ये हो गई 3 4 5, ये हो गई 5, टोटल कितनी आई, 24 मात्राएं। गणना करेंगे 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 3 11 और 3 हो गई हमारी 14 14 और 5 हो गई 19 19 और 5 24, कितनी हो गई हमारी यहाँ पर 24 मात्राएं हो गई। अब मात्रिक छंद है इसलिए हम यहाँ मात्राओं की गणना कर रहे हैं, जब आप वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो हमें वहां वर्णों की गणना करनी है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रत्येक चरण में कितने, देखो 13 मात्राएं और 11 और 13 का यहाँ पर जोड़ा होता है, तो पहले चरण में हमें 11 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चरण में हमें 13 मात्राएं यहाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, सोरठा छंद भी हमने पढ़ लिया। इसके आगे के छंदों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।